to Nirmal Bang, ladies and gentlemen. I'm Hital Daria. We have with us Kunal Shah, head of commodities research, joining in. Kunal, welcome to the show. Kunal, the dollar index seems to be coming slightly under pressure in today's session. Are you seeing some bit of a risk-off kind of a trade that's happening? Risk on sentiment that's returning. And two, what are the key data points that we should be watching out for? I think the entire equity, commodity, all markets are revolving around what is happening with Russia and also what is going to be happening with the Fed. So very difficult to give a directional view right now to the viewers, but I will share my high conviction views today. ये जो Russia और Ukraine के चलते हुए जो volatility आ रही है, कभी statement आता है कि उन्होंने border से आर्मी निकाल दिए, कभी यूएस का स्टेटमेंट आता है कि वो लोग कभी भी अटैक करेंगे, तो ये सब में जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, हो सके इतना कम ट्रेड कीजिए, इट्स ओके, हम दो दिन तीन दिन पोजीशन में ज्यादा पोजीशन नहीं लेके चलेगा, पर ऐसी वॉलेटिलिटी में देर इज अ गुड चांस दैट बड़े ट्रेडिंग लॉसेस हो सकते हैं. सो आई विल स्पीक अबाउट माई हाई कन्विक्शन आइडिया. आई थिंक क्रूड मुझे वीक लग रहा है क्योंकि कल यूएस और ईरान की जो न्यूक्लियर डील है वो फाइनल फेज में है, आ गई है, तो अगर ये डील क्लीन हो जाती है तो तकरीबन 1.8 मिलियन कच्चा तेल मार्केट में आने की संभावना है बहुत जल्दी. सो ये एक बहुत ही नेगेटिव फैक्टर है कच्चे तेल के लिए. सो 66.50 में मार्च कॉन्ट्रैक्ट आप शॉर्ट कीजिए, स्टॉप लॉस ट्रिक लगाना क्योंकि अगर रात को कुछ वॉर हो जाता है तो मैं आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा. 67.20 का स्टॉप लॉस लगाना और 65.55 के आसपास आप आपकी शॉर्ट पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे आज कॉपर में भी थोड़ी सेलिंग नजर आ रही है. 767-768 में कॉपर बेच सकते हैं 772 के स्टॉप लॉस के साथ. 760 और 758 के लेवल आपको कॉपर में ट्रेड करते हुए देखने मिल सकते हैं. निकल अवॉइड शॉर्टिंग, निकल में आप शॉर्ट पोजीशन मत इनिशिएट कीजिए. निकल अभी भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से. 1800 के आसपास बाय करके 1810 में आप बेच सकते हैं. 1995 का स्टॉप लॉस रखिए, भले स्टॉप बचता है, छोटे छोटे स्टॉप लॉस रखिए मार्केट में. नेचुरल गैस मुझे कमजोर लग रहा है, 334-33 के बीच में बेचिए. 340 का स्टॉप लॉस रख के 320 के टारगेट्स के लिए आप रुक सकते हैं. जहां तक सिल्वर की बात है, सिल्वर भी आज सेलिंग लग रहा है मुझे. 63,800 में सेल कीजिए, 64,100 का स्टॉप लॉस रखिए, 63,100 का टारगेट आपको देखने मिल सकता है सिल्वर में. सो गोल्ड भी मुझे थोड़ा आज कमजोर लग रहा है, 50,100 के आसपास बेचना चाहिए. 50,270 का स्टॉप लॉस रख के और आपको नीचे में 49,850 का देखने मिल सकते हैं. आज शाम को यूएस की और रशिया की मीटिंग है, उससे बहुत सारे स्टेटमेंट आएंगे. आई डोंट नो वो दोनों क्या बोलने वाले हैं, बट ये जो भी मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है, प्लीज कीप द स्टॉप लॉस इन ऑल द स्ट्रेटेजीज बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू गाइड यू वंस द मार्केट बिगिंस एट इवनिंग सेशन. तो ये आज के दिन के लिए मेरी स्ट्रेटेजीज है. Right. And Kunal, one question that's coming in, कि अगर भविष्य में फेड ब्याज दर बढ़ाता है तो मेटल और क्रूड पर क्या इफेक्ट हो सकता है? जी, नेगेटिव ही आएगा, कितना बढ़ाता है वो देखना है. अगर 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट हाइक करता है मार्च मीटिंग में फेडरल रिजर्व, तो मेटल बहुत जोर से नीचे आ जाएंगे. अगर 25 बेसिस पॉइंट से करता है तो बड़ा करेक्शन नहीं आएगा. गिरीश लालवानी जी पूछ रहे कॉपर में पोजिशनल बाय या सेल व्यू दे. गिरीश जी, ये वॉलेटिलिटी में मैं आपको पोजिशनल व्यू नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरा ध्यान बहुत तेजी में नहीं है कॉपर में, पर ये वॉलेटिलिटी में स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना होगा. यू डोंट नो, अभी जैसे फॉर एग्जांपल रशिया का और यूएस का पॉजिटिव सॉल्यूशन आता है और वॉर होगा ही नहीं, तो एक बार तो सब बढ़ेगा, तो अगर मैंने आपको सेल कॉल दी है तो आपका स्टॉप उधर बच जाएगा. सो नो पोजिशनल व्यू. और मेरी राय में मेटल और क्रूड दोनों अगर फेड एग्रेसिव रेट हाइक करता है जैसे 50 बेसिस पॉइंट से, तो डेफिनेटली दोनों में आपको मंदी देखने मिलेगी. राइट, सो दैट्स द व्यू कमिंग इन फ्रॉम कुनाल. थैंक यू पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू कुनाल एज वेल फॉर जॉइनिंग. सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल फॉर इन-डेप्थ इंटरव्यूज ऑफ इंडिया इंक एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डू नॉट मिस आवर अपडेट्स.